वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज का दोहा है, चंदन जैसा साधु है, सर्प ही सब संसार, ताके अंग लपटा रहे, मन में नहीं विकार। कबीर दास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि जैसे चंदन जो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसको पवित्रता का एक स्वरूप माना जाता है, इसलिए वो पूजा पाठ में यूज़ होता है, तो उसी की जैसे अगर कोई एक व्यक्ति के व्यक्तित्व अच्छा है, उसका बिहेव, उसका भाव जो है वो शुद्ध हो, तो वो चंदन के जैसा है। ठीक है, अब चंदन के पेड़ पर अगर विषैला सांप लिपटा भी हो, उसके ऊपर बैठा हो, उस पर वास करता हो, तो उस चंदन के पेड़ को कुछ नहीं होता, ना वो विषैला होता है, ना ही उसका स्वरूप बदलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका व्यक्तित्व शुद्ध है और अगर आपके आसपास जिस जो संसार के लोग, अगर वो कड़वे हैं, आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, और अगर आप शुद्ध हैं तो आप उस तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको आपकी जो अच्छाई है वो रोकेगी कि आपको उस बुराई की तरफ नहीं जाना है। तो ऐसे ही एक शुद्ध व्यक्ति को कबीर दास जी ने क्या किया है, चंदन के साथ कंपेयर किया है। कबीर दास जी इन दिस दोहा कंपेयर्स अ सैंडल ट्री विच इज़ कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ प्योरिटी इन इंडियन कल्चर विद दैट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ अ वेरी गुड बिहेवियर, हु इज़ पॉजिटिव इन हिज थॉट विद दैट, एंड कंपेयर्स दीज विद द वर्ल्ड फुल ऑफ नेगेटिविटी where people you meet might just pull you down and drag you towards negativity. But he tells you that if a poisonous snake resides or wraps itself around the sandal tree will not change itself. Neither will its purity will be lost, nor will it change its color. So you have to become like that sandal tree. Like if someone takes you towards negativity, towards the towards evil deeds, like you should be able to be like, no, I am a good person, I have to stay within my limits, I don't need to go towards the evil side, towards the negative side. So that's all for today. फिर मिलेंगे चलते चलते। इसी के साथ धन्यवाद।